हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, और मेरे साथ हैं डीराज सर। आज अपने यहाँ पे ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करेंगे सर। ब्लॉक केमिस्ट्री अपने तीन टॉपिक बना रखे हैं, इसके दो दो फैमिली के, तो आज सिर्फ अपन दो फैमिली की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन दो फैमिली, फिर नेक्स्ट बी ब्लॉक को जो है हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, दो फैमिली, हाँ दो 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 फैमिली के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, छह फैमिली टोटल, हाँ टोटल उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो आज कार्बन फैमिली और बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली, तो फर्स्ट दो फैमिली जो है उनको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथेनाइड कार्बाइड। देखो हमेशा ध्यान रखो, अगर आयन एक्शन से कोई कार्बाइड बना है तो हमेशा मीथेन देगा। जैसे अपन बात करें एल्यूमिनियम प्लस थ्री और सी माइनस फोर, तो ये देखो आपका एएल फोर सी थ्री, तो आयन एक्शन से ही बना है सीधा सीधा। जैसे बेरिलियम प्लस टू और सी माइनस फोर, तो इसको देखें तो बी ई टू, आयन एक्शन करने से अगर कोई कार्बाइड बना है तो वो आपका कौन सा है, मेथिनमाइड। और अगर आयन एक्शन से नहीं बनाए तो आपको फिर बना के देखना है कि प्रोपाइन बनने वाला है या इथाइन बनने वाला है। तो सबसे पहले सर अपने को बेरिलियम कार्बाइड दिया, साफ साफ पता चल रहा है आयन एक्शन से बनाएगा, मतलब इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो यहां से देखो सी माइनस फोर में मैंने अभी बताया, तो और बेरिलियम है आपका प्लस टू में, तो एक तो अपना बन जाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मेथेन बना है इसलिए इसको मेथेनाइड बोलेंगे। वैसे अपना दूसरा देखो आयन एक्शन से ही बन रहा है एल्यूमिनियम कार्बाइड, तो बिल्कुल ये रहा सर अपना, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने को पता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा एक तो, और सी माइनस फोर में है तो एक मीथेन गैस निकलेगी। ये सर नीट 2016 के सेकंड फेज का क्वेश्चन है, तो बी ई टू सी और ए एल फोर सी थ्री के लिए यहां पर एच ओ एच दे करके गैसेज प्रोडक्ट पूछा है, और यहां से इससे आप समझते हो कि आयन एक्शन से तो ये बना नहीं है, तो इसको आयनाइज करके देखना पड़ेगा। तो अगर इसको आयनाइज करते हो तो मैग्नीशियम प्लस टू और सी थ्री माइनस फोर में होगा। अगर सी थ्री माइनस फोर की आप स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस प्रकार से होगी, माइनस थ्री, मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये ध्यान रखना। अब इसका एच ओ एच करवाते तो आपको पता है ही, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, एक बन जाएगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, मतलब प्रोपाइन यहां पे बनने वाला है। तो यहां पे सर अपना आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट और सेकंड, मेथेनाइड जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर, देखिए सर मिक्स ऑक्साइड पूछ रहे हैं। बिल्कुल सर, देखो मिक्स ऑक्साइड आपको यहां पे पूछ रहा है, तो आपको बताइए तो नॉर्मल ऑक्साइड है क्योंकि आपका टिन प्लस फोर में एग्जिस्ट करता है, तो यहां से ये बिल्कुल सिंपल सा ऑक्साइड हो गया आपका, ये प्लस फोर में ओ माइनस टू में आप सोल्व करके देख लो ऐसे एन ओ टू बन रहा है, लेकिन ये मिक्स्ड है क्योंकि मैग्नीज की प्लस फोर इतना स्टेबल नहीं होती है, तो ये आपका एम एन ओ और एम एन टू ओ थ्री का मिक्सअप है। तो आप देख लो मैग्नीज हो गए थ्री और ऑक्सीजन हो गए फोर, अगर आप इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हो तो ये ऐसे ही टूटेंगे, क्यों सर। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये भी आपका Fe2O3 और FeO का मिक्सअप है, फेरस और फेरिक, आयरन प्लस फोर में रही है O माइनस थ्री में, आप सोच करके देख लो, या वैसे यहां पे पता चल जाएगा ये प्लस फोर, ऑक्सीजन की माइनस थ्री पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब है अगर ऑक्सीजन माइनस टू में नहीं है ऑक्साइड उसको बोल रहा है तो वो मिक्सड है, ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा आपका। वैसे यहां से आप अगर देखो तो प्लस फोर ओ माइनस थ्री, क्या ऑक्सीजन की माइनस थ्री वैलेंसी पॉसिबल है, नहीं, इसका मतलब ये मिक्सड है, यह आपका PbO PbO2, ये आपका PbO, 3PbO और हाफ O2 होता है, हालांकि इसको यूं कहा जाता है PbO और PbO2, लेकिन आपको पता है ये भी इतना एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये भी टूटता है लास्ट में PbO और हाफ O2 में टूटता है, तो हालांकि मिक्सअप तो इनका है ये, जब मिक्सिंग पूछे तो ये PbO और PbO2 है लेकिन आपका PbO2 भी आगे टूटता है, तो आप इसको भी मिक्स्ड बोल सकते हैं PbO का PbO2 का, क्यों सर। तो अपना यहां पे आंसर हो जाएगा बी सी डी, तीन तीन हो गए जी सर। नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट ये सर काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये मिक्स ऑक्साइड वाले, देखिए इलेक्ट्रॉन न्यून पूछ रहा है आपको, कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, बिल्कुल, यानी जैसे जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते हैं जिनमें आठ से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस शेल में, वो क्या इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, बिल्कुल सर। बी टू एस सिक्स,
डाइबोरे नहीं, यानी BH3 का डाइबर होता ही, तो इसकी भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। बिल्कुल, BH3 तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हमेशा डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसे ये एग्जिस्ट करता तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है वो एज ए लेविस एसिड या एज ए इलेक्ट्रोफाइल वो आपके यूज होते हैं। ऐसे ही B2S6 की अगर आप स्ट्रक्चर बताओ तो बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोरोन। हालांकि देखो इसकी जब बॉन्डिंग होती है तो कुछ इस तरीके की होती है, ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल है बोरोन का और ये इस बोरोन का वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये जो होते हैं ना वो ऑसिलेट होते रहते हैं सर इधर उधर, तो इसको जनरली अपन सोल्व करने के लिए इजी बनाने के लिए ये मान लेते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन इधर है, बाकी ऐसा नहीं होता है, दो एक बार ये इधर है, ये ऑसिलेशन करते रहते हैं। वैसे इसको मैं थोड़ा इजी बनाने के लिए यूं मान लेता हूं एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इधर है, हालांकि मैं फिर बता रहा हूं आपको ऐसा नहीं होता, दो इलेक्ट्रॉन इधर है ऑसिलेट होते रहते हैं। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे क्या होने वाला है अगर देखा जाए तो इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो चुका है लेकिन अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है या लेविस एसिड की है, एक्ट करेगा। और आपको होगा कि नहीं हम तो ऑसिलेट से देखें, तो आप हमेशा ध्यान रखो ये जब वेकेंट रहेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके इधर रहेंगे और ये उस समय कैसे है, ये वेकेंट रहेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे, जब ये वेकेंट रहेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे, तो वैसे भी काउंट करते देखे 2 4 2 6 बात वही आ रही है आपकी, क्यों सर? तो ये आपका कैसा है यहाँ पर इसका जो जैसे बॉन्ड ऑर्डर है ना वो भी चेंज होता रहता है, जब हाँ। आप ये कह रहे हो ना कि भी इधर एक आ रहा है आपके पास, हाँ। तो रियल में एक नहीं आ रहा है, हाँ, वो ऑसिलेट हो रहे हैं, ऑसिलेट हो रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों एक बार इधर रहेंगे फिर दोनों एक बार इधर रहेंगे, या पॉइंट ऑर्डर 0.5 होता है या बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बिल्कुल अंदर वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा बाहर वाली कम, हाँ बिल्कुल। इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ऐसे रखना है कि बाहर के जो टर्मिनल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ कम है और ये बढ़े, इसीलिए तो कहते हैं कि एक तो ब्रिज मॉलिक्यूल, एक आपके sp3d और एक sp3d3, इनमें अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होती है। इसकी बात करें तो इसमें ब्रिज बॉन्ड एलोंगेट होंगे तो बड़े होंगे थोड़े, ये दो हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन होंगे और ये चारों टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे। इसी प्रकार जब अपन बात करते हैं दूसरा sp3d की, वहां एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं, इक्विटोरियल छोटे होते हैं, और जब sp3d3 की बात करते हैं तो वहां थोड़ा उल्टा हो जाता है, इक्विटोरियल बड़ा होता है और एक्सियल वहां पे छोटे होते हैं, और sp3d2 में इक्वल होते हैं एक्सियल और इक्विटोरियल। खैर अपन बात इसकी करें तो इसमें एक चीज और देखो आप, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, इधर ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है सेम प्लेन में है और रिप्लेसेबल है, मतलब अगर आप इसके CH3Cl से रिएक्शन कराओगे तो HClHCl हट जाएगा, CH3Cl जुड़ जाएगा, HClHCl हट जाएगा, CH3Cl हट जाएगा, लेकिन ये वाले नहीं हटेंगे, ये ब्रिज में आ गए फंसे हुए रह गए ये मान के चलो। तो इसमें क्या होगा कि ये एक ही प्लेन में हो गए, फिर ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है एक प्लेन के ऊपर है एक प्लेन के, ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, जी जी, और ये सारे टर्मिनल, हाँ। और ये बोरोन, तो आपको प्लेनर एटम कुछ तो छह हो गए इसमें। या एक ट्रिक और देता हूं आपको बिल्कुल सिंपल सी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो जब भी डाइमर और ट्राइमर या पॉलीमर की अपन बात, जब भी डाइमर और पॉलीमर बनता है आपका ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड से, ट्राइसेंट्रिक का मतलब होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जैसा कि डाइबोरेन में अपन ने देखा था, तो यहां पे क्या हो रहा था अभी तो बात की थी अपन ने, यहां पे क्या हो रहा था भाई, जैसे अपन यूं ही तो बात कर रहे थे, ये इसका वेकेंट था, यूं ही तो बात कर रहे थे अपन, एक मिनट, ये इसका वेकेंट हो गया और ये दोनों, तो इसमें क्या हो रहा था 1 2 3 तीन तो हो गए सेंटर और इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो है, इसको बोला जाता है ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड। ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड या तो आपके हाइड्रोजन बनाते हैं या एल्किल ग्रुप बनाते हैं, और जब भी डाइमर और पॉलीमर ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड से बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन जरूर बदलता है लेकिन हमेशा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून होंगे। तो यहां पे देखो इसमें डाइमर बना हाइड्रोजन से और इसमें डाइमर बनने वाला है CH3 से, मतलब एल्काइल ग्रुप से, इसका मतलब यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। कई बार इंपॉर्टेंट चीज ये पूछ ली जाती है, एल्यूमिनियम CL जो डाइमर वाला कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा और एल्यूमिनियम भी यहां sp3 होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसकी बात करें बेरिलियम का, तो बेरिलियम देखो BeCl तो जब मोनोमर होता है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब ये डाइमर बनाता है तो कुछ इस तरीके से बनाएगा ClCl, ये दूसरा आ गया Cl
Cl, इसके वेकेंट के अंदर ये कोऑर्डिनेट, उल्टा मारिए, ये इधर कोऑर्डिनेट और ये अपना इसके वेकेंट पे, इसके पास लोन पेयर था, लोन पेयर से इसको, लेकिन फिर भी देखो डाइमर में देखो 2, 2, 4, 2, 6 अभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही है, 6 ही है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसका डाइमर बनता है, sp से sp2 हो गया, लेकिन ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये पॉलीमर बनाता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सर सारे के सारे ही अपने कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कहने का मतलब है कि जैसे ट्राइसेंट्रिक आ जाए, सर के कहने का मतलब है ट्राइसेंट्रिक आ जाए और हाइड्रोजन आ जाए, एल्काइल ग्रुप आ जाए, हाँ, तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, तो स्ट्रक्चर में जरूरत नहीं, सीधा आप याद रख लेंगे तो फिर टाइम आपका ज्यादा लगेगा। हाँ। तो एक तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, हाँ, लेकिन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन न्यू, हाँ, इलेक्ट्रॉन। और अगर कोऑर्डिनेट, जैसे कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बन रहा है डाइमर, तो सिर्फ एक यही एक्सेप्शन है कि कोऑर्डिनेट बनने के बाद में भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बच गया, नहीं तो डाइमर और पॉलीमर जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनेंगे वहां पर क्या होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जैसे इसमें नहीं हो रहा है, तो इसमें मेनली आप यही करना कि पहले स्ट्रक्चर बना करके ही देखना कि कंप्लीट होता है या नहीं होता, लेकिन इसमें आप सीधा बोल सकते हो। इसमें क्या दो दो वैकेंट होते हैं ना, हाँ, एक तो हो जाता है, एक फिर वैकेंट रह जाता है, हाँ, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। हाँ, अगर ये पॉलीमर बनाता तो हो जाता, पॉलीमर में हो जाता, लेकिन डाइमर फिर भी इसके पास 6 ही रहेगा। अब जैसे एल्यूमिनियम यहाँ पे Al2Cl6 होता तो डाइमर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता और ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जब भी बनता है ना डाइमर या पॉलीमर, तो आप बना पॉलीमर में तो रहेगा ही रहेगा, आंख बंद करके रखना, पॉलीमर में तो रहेगा पॉलीमर। अब डाइमर की स्ट्रक्चर आपको बना के देखनी, डाइमर में चेक करना, या ऐसे देख लेना कि सेकंड ए का डाइमर होगा तो नहीं होगा और थर्ड ए का डाइमर है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो आप स्ट्रक्चर मत बनाओ, क्यों सर ऐसे भी कर सकते। नेक्स्ट लें कार्बाइड के जलबंधन की अभिक्रिया, बिल्कुल थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस कर लिया था, ये तो एल्युमिनियम कार्बाइड हो गया तो यहां से CH4 बनेगा। अब ये बच गया तो आपको पता है Ca+2 और C2-4 से मिलकर ये बना है, और C2-2 से, क्योंकि देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए तो CaC2, तो मतलब कि ये वाला है C2-2 और C2-2 कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, तो जब भी HOH कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा HC CH3, इथाइन यहाँ पे बनने वाला है, और इसके सर अपन बात कर चुके हैं प्रोपाइन बनाएगा, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो अपना यहाँ पे आंसर प्रोपाइन बन जाए, प्रोपानाइट, बिल्कुल सर, फर्स्ट टाइम सर करेक्ट हो गया, ये बड़ा वेल नोन क्वेश्चन है, डिस्कस भी कर लिया अपन, जी सर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन। डाइबोरन की रिएक्शन है, अब देखो एक तो है लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर पर है, और एक रेशियो लिया 1:2 लिया और एक लिया आपका XCl3 लिया, तो 1:2 में क्या बनेगा, बोराजोल बनेगा, बोराजोल, बिल्कुल, जैसे इसको अपन यूं बोल सकते हैं कि ये यूं टूटेगा BH2+ और BH4-, इस प्रकार का क्लीवेज होगा, एक आयनिक सॉलिड की, हाँ, फिर इसके बाद दो वेकेंट हो गए, इस प्रकार का क्लीवेज होते ही, तो ये जो आपका NH3 है लोन पेयर डोनर स्पीसीज है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा यूं, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कंप्लीटली BH2NH3+BH4-, ये बनेगा, फिर आप ये टेम्परेचर दोगे लो टेम्परेचर तो ये बन जाएगा B3N3S6, जिसको अपन बोलते हैं बोराजोल, या फिर आप इसको बोल सकते हो इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, बिल्कुल सर, इसमें कैसा होता है, ये बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये बोरोन ये नाइट्रोजन ये बोरोन, ये इस टाइप का, फिर आपको पता है ये इधर कोऑर्डिनेट हो ही जाएगा लोन पेयर अपना, जिसको बोलेंगे पी पाई बैकबोन, और सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, तो यहां पे देखो नाइट्रोजन आपका सारे के सारे नाइट्रोजन sp2 है, और यहां पे देखा जाए सारे बोरोन भी sp2 है, जैसा कि बेंजीन में होता है, ये भी प्लेनर है, बेंजीन आपका प्लेनर होता है, ये नॉन पोलर है, बेंजीन भी आपका नॉन पोलर होता है, फिर भी उसके कंपेरिजन में ये मोर रिएक्टिव है, क्यों, वहां पर जो ये बॉन्डिंग होने वाली है कार्बन कार्बन के बीच आने वाली है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है, बेंजीन में से ही तो होता है, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इनके बीच का बॉन्ड नॉन पोलर होता है, इसमें तो पोलर होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और इसकी 3.0, बॉन्ड इसका पोलर, वो मॉलिक्यूल की बात की थी, वो दो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, पोलर, लेकिन रिजल्टेंट डाइपोल बॉन्ड से देखते हैं, फिर भी ये मोर रिएक्टिव, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनका जो बॉन्ड है वो पोलर है, बॉन्ड पोलर होने के कारण ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, और इसमें ना सिग्मा पाई भी आप कैलकुलेट कर लेना, बेंजीन की तरह ही होता है, बिल्कुल, तो 12 सिग्मा हो जाएंगे और 3 पाई हो जाएंगे,
एक चीज जो यहाँ पे और पूछता है वो थोड़ा सा ध्यान देना, वो चीज ये होती है कि अगर आप इसको स्ट्रॉन्गली हीट कर देते, आपको देखो टेम्परेचर दिया है पर्टिकुलर, अगर स्ट्रॉन्गली हीट करते ना तो ये बोरोन नाइट्राइट बना लेता, और बोरोन नाइट्राइट मतलब बोले तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, हाई टेम्परेचर बनता है। हाँ, यहाँ पे एक्सेस एनएच3 हाई टेम्परेचर दे दिया, इसका मतलब यहाँ से बीएन बोरोन नाइट्राइट आपका बनने वाला है जो कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है। तो अपना आंसर सर, अच्छा बोरा जोल को बोरा जिन भी बोलते हैं। हाँ, बोरे जिन भी, बोरे जिन भी बोलते हैं, बोरा जोल और बोरे जिन, बिल्कुल बोरे जिन बोलते हैं, बोरे जोल बोलते हैं। बोरोनाइट्राइट जो है BN का पॉलीमर हो गया, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की तरह है, मतलब जैसा ग्रेफाइट है वैसा ही है, बस ग्रेफाइट में सारे कार्बन होते हैं, इसमें अल्टरनेटिव बोरोनाइट्रोजन, बोरोनाइट्रोजन राइट। नेक्स्ट चलें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट इन साइक्लिक एंड डबल चेन सिलिकेट। देखो एक तो डबल चेन की बात कर रहा है यहां पे, और एक आपका बात कर रहा है साइक्लिक की, तो हमेशा देखो सिलिकेट कैसे बनते हैं, आप उस इससे बात कर सकते हो, सिलिसिलिक एसिड से बात कर सकते हो, ठीक है। यहां से अगर इसको आयनिक फॉर्म में लिखे तो ये तो आपका नॉर्मल सिलिकेट की यूनिट होगी सर, ठीक है। अब आपको यहां से जब पायरो बनाना है, पायरो की तो बात ही नहीं की, लेकिन फिर भी अपन देखें पायरो अगर अपने को बनाना है तो इसके दो मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, तो दो मॉलिक्यूल लेके चलेंगे तो माइनस H2O हो जाएगा H2O, और ये बन जाएगा अपना H6SI2O7। तो अगर इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ गया SI2O7-6, ये हो गया पायरो। अब अपन बात करें यहां पे साइक्लिक की, तो साइक्लिक हमेशा देखो जो मेटा एसिड होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, क्यों सर? तो मेटा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल से अपने को काम करना है यहां पे, तो अपना ये आ गया SI H4SiO4। तो इसको एक ही मॉलिक्यूल को अगर हीट करेंगे तो H2 निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा H2SiO3, और ये हमेशा साइक्लिक फॉर्म में होता है। तो अगर इसको आयनाइज करके देखें तो अपने पास क्या आ गया SiO3-2। तो ये एक यूनिट हो गई है, तो लेकिन साइक्लिक का मतलब है तो यहां पे क्या होगा, एन यूनिट मान लो एक जगह मिल जाती है तो SiO3 एन, और तो चार भी आपका 2N-, ये साइक्लिक का हो गया। तो अपने को साइक्लिक का पूछा है सर, तो साइक्लिक का यहां पे ठीक दे रखा है। फिर आपको पूछा है द्विक श्रृंखला सिलिकेट, डबल चेन, मतलब डबल चेन की बात करें, एक तो सीट होता है, तो सीट में तो आपका एक तो चेन सिलिकेट होगा, चेन सिलिकेट के लिए भी यही होता है, चेन में तो साइक्लिक बना लो और डबल, हाँ, और सिंगल वाला जो होता है ना वो साइक्लिक की तरह, हाँ, तो मतलब कि यहाँ पे दो ऑक्सीजन शेयर होंगे, राइट, दो ऑक्सीजन शेयर, ठीक है सर। और अगर सीट बना रहा है वहां पे आपकी कितनी होंगी, दो होंगी, लेकिन जब आपका थ्री डायमेंशन चला जाएगा तो वहां पर आपकी चार ऑक्सीजन शेयर होंगे, सीट में तीन हो जाएगी, सीट में तीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए, इसकी बात करते हैं, दूसरा कौन सा है, सीट सिलिकेट, डबल डबल चेन है, हाँ डबल, सॉरी डबल चेन, मैं सीट बोल गया, तो डबल चेन की अपन बात करें तो इसमें देखो यूं होता है SiO4-4, अगर इसको आप डिनोट करते हो तो यूं तो करते हैं ना अपन कि ये ऑक्सीजन, ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं ये चीज, ये सिलिकन को यूं दिखा देता हूं, ये सारी ऑक्सीजन है और ये हो गया, अब इन पे चार्ज होता है साथ, ठीक है, इनको जोड़ दो सर, हाँ। तो अपने को सीट बनानी है तो ऐसे कर देते हैं इनको, तो ये अपना क्या बन जाएगा, बिल्कुल सर, जैसे ये हो जाएगा, तो ये डबल चल रहा है आपका, तो यहां पे अपन देख पा रहे हैं कि जैसे ये अकेला है, तीन ऑक्सीजन शेयर कर रहा है इसमें, जैसे ये है 1-2-3, डबल चेन में आते हैं इसमें तीन ऑक्सीजन, चार्ज इन पर जैसे चार्ज आ जाएगा, हाँ। जो शेयरिंग है उस पर चार्ज नहीं आएगा, हाँ। तो जैसे ये है, ये शेयरिंग नहीं होगी, बाकी ये भी जैसे डबल चेन की बात करें तो ये शेयरिंग नहीं होगी, ये चलती जाएगी इधर वाली, ये शेयर हो रहेगा, इन पे चार्ज रहेगा, तो यहाँ पे बस ये दो शेयर करता जाएगा 1-2, फिर आगे जाएगा 1-2-1-2, मतलब दो ऑक्सीजन शेयर करेगा ये, तो ये नहीं कर पाएगा एक, ये नहीं, डबल चेन में दो ऑक्सीजन शेयर होगी। तो इसका एक यूनिट का फॉर्मूला अगर अगर बना करके देखते हैं तो अपना फॉर्मूला ये आएगा, ये चीजें सर नॉर्मली याद रखने के लिए जनरल फॉर्मूला याद रखो, Si4O11 और 6 की पावर n, बिल्कुल सर, ये डबल चेन का ये हो गया और ये आपका हो गया
साइक्लिक का, हाँ साइक्लिक है वो सिंगल चेन की तरह होगा जी। ठीक है, सेकंड आंसर होगा। हाँ सेकंड आंसर। नेक्स्ट लेसन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। H3 BO3, हाँ अब टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है ये, हाँ 100 डिग्री पर आप रिएक्शन करोगे वही बेटा बेटा, तो अपना बन जाएगा एच बी ओ टू और फिर रेड आउट कर दोगे तो बोरिक एनहाइड्राइड BO3। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें मेटा और बोरिक फोर्थ आंसर। नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट लेसन B2O3 का नेचर पूछ रहा है। बिल्कुल सर, नॉन मेटेलिक है ये, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है CO N2O और N, ये आपके कैसे होते हैं न्यूट्रल और नॉन मेटल के हो गए, बाकी नॉन मेटेलिक एसिडिक होते हैं, मेटेलिक बेसिक होते हैं। कुछ एक एम्फोटेरिक होते हैं जैसे बेरिलियम का, जिंक का, एल्यूमिनियम का, गैलियम का, टिन का, लेड का, या फिर आर्सेनिक का जब प्लस थ्री में होता है As2O3 और Sb2O3, ये भी अपने एम्फोटेरिक में आते हैं। बाकी अपने ये न्यूट्रल के तीन एग्जांपल याद रखो, ये बहुत पैटर्न आता है। हाँ बिल्कुल सर, कई बार ऐसे पूछ लेते नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो दो, मतलब एक सिंपल सा अब देखने पे इजी सा लग रहा है कि ये तो काउंट कर, लेकिन वहां याद रखना थोड़ा सा N2 और N1 ध्यान रखना। इसको अपना सर वो भी बोलते हैं लाफिंग गैस बोलते हैं। अच्छा इसमें ये भी कई बार बोले, जैसे मान लो B2O3 है ना, इसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोरिक एसिड बनेगा। हाँ, इसीलिए इसकी नेचर क्या है, एसिडिक है, इसीलिए इसको बोरिक एनहाइड्राइड भी कहा, बोरिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, क्योंकि इससे आपका बोरिक एसिड H3BO3 से मिलता है। हां राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हिच इज ट्रू फॉर एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के 13 ग्रुप की अगर बात करें तो देखो गैस ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि नीचे मेटल्स आ गए वो सॉलिड, इसमें तो गैस तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि आपका जो बोरोन होता है वो या तो क्रिस्टलीय या फिर एमोर्फस फॉर्म में पाया जाता है आपका, तो B12 यूनिट इसमें एक साथ जुड़ी हुई होती है, तो गैस तो हो ही नहीं सकता। तो गलत हो गया, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट ही सबसे ज्यादा चला जाता है सर B12 यूनिट की वजह से, तो ये बात तो अपनी बिल्कुल रॉन्ग हो गई। फिर इट हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, ये भी गलत बोल रहा है सर, क्योंकि 13 ग्रुप का कॉन्फिगरेशन है NH2NP1। अगर मान लो IPE लग गया, IPE का मतलब होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये लगता है ट्रांजिशन कंट्रक्शन और लेंथ एनोड कंट्रक्शन की वजह से, क्योंकि D और F डिफ्यूज्ड होते हैं, इस वजह से उनका सेल्डिंग पूर होता है, और सेल्डिंग पूर होता है तो NS इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं जेड इफेक्ट को, इस वजह से उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन की जो नेचर होती है वो रिड्यूस होती चली जाती है। तो नीचे की तरफ चलते हैं ना सर, ये अपना चलता है 4th, 5th, 6th IPE, तो सबसे ज्यादा IPE लेंथ एनोड कंट्रक्शन की वजह से 6 में अप्रोच करता है, और यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेज ज्यादा स्टेबल होती है और हायर कम होती है, और ऊपर वालों में IPE कम होता है, तो इनमें हायर ज्यादा स्टेबल होती है, लोअर कम होती है, इसका मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इनर्ट पेयर की इफेक्ट इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेज, हाँ, और नीचे जाने पर हायर की स्टेबिलिटी घटेगी, सिर्फ लास्ट वाले में लोअर ज्यादा स्टेबल होगी हायर कम होगी, बाकी ऊपर वाले में हायर ज्यादा स्टेबल होगी लोअर कम होगी। कहने का मतलब है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का मीनिंग ये है, ये जो आपके NS इलेक्ट्रॉन है ना, ये इनर्ट पड़े रहते हैं, हाँ ये मतलब इन्वॉल्व, ये पार्टिसिपेट मान रहे हैं, तो P इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। तो अगर मैं बोरोन फैमिली की बात करूं जिसको 13 ग्रुप अपन बोल रहे हैं, तो अगर मान लो कि सर IPE मान लिया मैंने, तो IPE मान लिया तो +1 हो गई, +1 ऑक्सीडेशन, अरे अज्यूम करो कि IPE कम लग रहा है, इस वजह से ये भी इन्वॉल्व हो गए, तो इस कंडीशन में 2 और बढ़ जाएगी +3, तो +4 तो कैसे भी नहीं देगा ये, जैसे मान लो आप ये इलेक्ट्रॉन एक निकाला तो +1 बन गया, तीनों निकाल के +3 बन गया, हाँ तो मतलब +4 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, +2 की पॉसिबिलिटी है, तो ये बात तो सर बिल्कुल गलत होगी, सेकंड तो गलत, ये बिल्कुल सही हो गया क्योंकि +3 दे सकता है, जैसे B2O3 देखो Ga2O3 समझ गए ना, In2O3 तो काफी ऑक्साइड है, Al2O3 जो आप देखोगे इस फॉर्म में, फिर ये फिर मैंने पहले बोला बाइवेलेंट तो ये हो ही नहीं सकते, तो अपना आंसर ही सर इसमें 3rd चला जाएगा, ये करेक्ट है अपना बोरोन फैमिली को लेकर। नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट देखिए सर, एल्युमिनियम गैलियम की जो कोवलेंट रेडियस होती है ना इक्वल होती है, ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन होता है, एल्युमिनियम गैलियम में क्या है, बीच में डी आ गया आपका, बिल्कुल, तो इसमें क्या होता है डी शील्डिंग ऑफ पावर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन गैलियम एटम इन लो, तो अपन कहते हैं पूर शील्डिंग होती है, बीच में क्या जैसे डी ब्लॉक आ गया ना आपका, तो यहाँ पर इसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन भी बोल देते हैं, हाँ, और कई जगह इसको नाम पूर शील्डिंग भी बोलते हैं, डी और एफ इनकी पूर शील्डिंग होती है, उसके कारण दोनों का साइज क्या हो जाता है ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। आप इसमें मतलब ये ध्यान रखना है, देखो एक्चुअली शील्डिंग होता क्या है,
एंट्री इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, राइट बस यही तो होता है ना। अब अपन क्या मेनली यूं समझ लेते हैं कि ये आउटर सेल है, अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि अदर इलेक्ट्रॉन इस पे कितना रिपल्सन लगा रहे, तो अपना सबका दिमाग यही चलता है कि अंदर वाला, अरे अंदर वाला नहीं, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है वो भी तो रिपल्सन लगाएगा इस पे, क्योंकि यही तो कह रहे हैं कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अदर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्सन अप्रोच करते हैं, दैट सेलिंग इफेक्ट है। इसका मतलब ये भी इन्वॉल्व होता है। अब आप सपोज करो मेरे पास ये इतना बड़ा सेल है और इसमें मेरे को तीन इलेक्ट्रॉन देने हैं, एक मेरे पास इतना बड़ा सेल है और मेरे को तीन इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो सेल दोनों एक की साइज छोटी है एक ही बड़ी है, मतलब एक आपका ऐसे है दूसरा बरीड ज्यादा है, मतलब ज्यादा डिफ्यूज है, तो इस कंडीशन में देखो इलेक्ट्रॉन दूर है, दूर है तो इनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है, ये पास है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है, वैसे ही डी होता है ना। अब आप कहोगे कि 4s बनने के बाद में 3d बन रहे हैं तो ये तो साइज छोटी होगी, नहीं, डी जो खुद होता है डबल डंबेल होता है, ये डिफ्यूज्ड होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर होते हैं और दूर होने से उनके भी सेलिंग कम अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करें तो गैलियम में 3d पर आ गया है और 3d आपका डिफ्यूज्ड है और डिफ्यूज होने की वजह से वहां सेलिंग इफेक्ट पूर हो गया तो जेड इफेक्ट ज्यादा हो गया, जेड इफेक्ट ज्यादा हो गया तो जितनी इसकी साइज आनी चाहिए थी उतनी ना आके उससे कम हो गई, तो वो ऑलमोस्ट इसके इक्वल आ जाती है। और फिर भी बताना चाहे तो आपका एल्यूमिनियम एनलार्ज यहाँ हो जाता है, कई बार गैलियम छोटा, हाँ गैलियम छोटा हो जाता है अगर एक्चुअल इसकी बात करें तो। और यहाँ से मोस्ट जो क्वेश्चन बनता है सर आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर बनता है, बिल्कुल, और ये आयनाइजेशन एनर्जी का लेकर के अपने नीट में पूछा भी है 2018 में, वो क्वेश्चन अपना था बिल्कुल एकदम सही सीक्वेंस आपको बताना था। तो बोरोन, बोरोन से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है किसकी, थैलियम की, सीधा थैलियम उठ के यहां आता है, ये चीज है जो आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में अपना कौन होता है, गैलियम होता है, फिर अपना एल्यूमिनियम होता है, सबसे कम चला जाता है, ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी होता है। आप ये ध्यान रखो थैलियम कहां से कहां पहुंच रहा है, यही जो है तो चीज का आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर है। साइज में देखा जाए तो साइज के अंदर अगर देखा जाए तो अपन यू लिखते हैं कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनियम और थैलियम, तो अपन साइज का जब ऑर्डर देने पहुंच जाते हैं तो यूं बोलते हैं बढ़ रहा है ऑलमोस्ट सेम है, बढ़ रहा है ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी एग्जैक्ट साइज अपन देना चाहे ना तो यहाँ पे एल्यूमिनियम बड़ा होता है, तो इसका सही ऑर्डर होगा बोरोन, फिर उसके बाद में इससे बड़ा होगा गैलियम, इससे बड़ा होगा एल्यूमिनियम, फिर इंडेनियम और थैलियम बड़ा ही होता है, ये ध्यान रखना, ऑलमोस्ट सेम भी होता है। और ये नीट में जब आया था क्वेश्चन तो ऐसे ऑर्डर दे रखे थे तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि तो ऑलमोस्ट सेम बोलते हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए ऑलमोस्ट सेम है एक्चुअली में किसकी ज्यादा है, कई बार तो ऐसे में डेटा थोड़े से ध्यान में होना चाहिए, बिल्कुल। और इस डेटा का सबसे बड़ा खेल या तो सब 3D के साथ खेलता है और या फिर सिर्फ और सिर्फ बोरोन फैमिली के साथ, बस ये जरूर बता सकते हो कि यहाँ जो साइज डिफरेंस है ना वो कम होता है, हाँ बहुत रेयर साइज डिफरेंस कम होता है, जैसे अपन इसको ऑलमोस्ट सेम से ले लेते हैं, हाँ जैसे अपन बात करते हैं ओस्मियम इरेडियम डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम, लेकिन जब भी ज्यादा अप्रोच करवाते हैं तो अपन बोलते हैं कि इरेडियम थोड़ा सा हेवी होता है, ज्यादा होता है, तो वो चीज होती है, तो कई बार पूछ लेता है डेटाबेस के साथ अपना थर्ड आंसर। नेक्स्ट लेसन, ये भी काफी अच्छा है सर, BO3 आ गया और BO4H+ बन गया, तो ये आपको पता है कि बोरोन का जो एसिड है ना, अब अपने को ध्यान रखना है ये एक ब्रोस्टेड एसिड नहीं होता है, एक तो अपने पास होता है ब्रोस्टेड एसिड, ये ब्रोस्टेड एसिड नहीं होता, ये लुईस एसिड होता है, और ये क्या इसके पास एक वेकेंट पड़ा रहता है, जैसे ये OH आपके पास है और इसके पास एक ये वेकेंट पड़ा है, तो जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना अपन, तो इसमें क्या होता है लोन पेयर होता है, ये इसको क्या करता है डोनेट कर देता है, डोनेट करते ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें BOH4 नेगेटिव में, और H+ जाता है ना वो अपन H+ ऐसे लिखते हैं इस तरह से, बिल्कुल H+ से देखो हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन से जुड़ दो हाइड्रोजन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, प्रोटॉन कितना होता है 1, न्यूट्रॉन कितना होता है 0, अब ऐसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, अब हाइड्रोजन में सिर्फ क्या है प्रोटॉन है, इस वजह से H+ को प्रोटॉन कहा। फिर दूसरी चीज जो आपको ध्यान में देनी है, जैसे कि सर ने बताया ये ब्रोस्टेड नहीं है, क्योंकि ऐसे में आपको डेफिनेशन आरएनएस क्या बोलता है, जो एसिडिक मीडियम में H+ दे वो एसिड है, जो OH- दे वो बेसिक है, तो यहाँ पे देखो ये आपको पता है ये काम तो लेविस एसिड का कर रहा है, लेकिन ये H+ इसका नहीं है, मतलब ये जो H+ आया ना वाटर से आया, वाटर से आया, ठीक है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये ट्रू प्रोटोनिक एसिड नहीं है, क्योंकि ये देता है H+, लेकिन ये अपना नहीं देता, इससे दिलवाता है, इससे OH ले लिया
तो H प्लस यहां से निकल गया क्योंकि अपने पास BOH3 इसको जब करवाते हैं HOH, तो आप ये देखो ये माइनस और ये आपका प्लस, तो यहां से क्या होगा BOH4 माइनस और H प्लस, तो ये H प्लस किसका गया है, वोटर का गया है। और दूसरी चीज, इसके पास वेकेंट 2P था, उसमें OH माइनस ने आकर के लोन पेयर दिया है, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है वो लेविस एसिड होता है, और जो लोन पेयर डोनर होता है वो लेविस बेस होता है। तो ये यहाँ पे लेविस बेस का काम कर रहा है, ये आपका यहाँ पे लेविस एसिड का काम कर रहा है। इसमें कहते हैं कि न तो ऑर्गेनियस एसिड है, हाँ, न ये ब्रोस्टेड एसिड है, ये एक वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड है। हाँ, और आर्गेनियस थ्योरी इन्हें की एग्जांपल की वजह से तो फैल हुआ था, आर्गेनियस थ्योरी का भी यही था ना। और दूसरी चीज, ब्रोस्टेड क्या बोलता है, जो प्रोटोन डोनर है वो आपका क्या है, लेविस एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो यहाँ पे H प्लस नहीं ले रहा, ये OH माइनस ले रहा है, तो इसको अपन ब्रोस्टेड एसिड नहीं बोल सकते। हाँ, अगर ये H प्लस लेता तो आप बोलते, ठीक है, तो अपना हो गया सर ये फर्स्ट लेविस एसिड, फर्स्ट आंसर करेक्ट, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चले सर, ये भी काफी अच्छा, लेड डाइऑक्साइड के आयनिक गुण पूछ रहा है, तो अभी देखो ये जो PbI2 है ना, इसमें तो कोवलेंट करेक्टर ज्यादा हो गए, बिल्कुल सर, और ये PbF2 जो है इसमें आयनिक ज्यादा हो गए, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। आप इसको फैजांस रूल से देखो, फैजांस रूल क्या बोलता है, देखो फैजांस रूल में हमेशा ध्यान रखो पोलराइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, पोलराइजेशन की बात करें तो चार्ज किसका, केटायन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और साइज ये भी किसकी बात कर रहा हूं, केटायन की, वो पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूं, आप समझ जाओ शॉर्ट में कि ये केटायन की बात कर रहा हूं, तो केटायन का चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, केटायन की साइज अगर स्मॉल होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, पोलराइजेशन ज्यादा करेगा तो आयनिक में कोवेलेंट के करेक्टर आ जाएंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है, यूं समझो आप लिथियम, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लिथियम प्लस बनाया, इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो इसने बना लिया, अब इसने कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया तो आयनिक है, लेकिन अगर ये छोटा हो गया तो इन इलेक्ट्रॉन को वापस अट्रैक्ट करके बीच में एज ए शेयरिंग ले लेगा, तो उसमें कौन से करेक्टर जनरेट हो जाएंगे, कोवेलेंट कोवेलेंट, तो फैजांस रूल, जब भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर देखने हो तो फैजांस रूल आएगा आपके। और एनायन के लिए पोलरिजिबिलिटी की बात करेंगे, तो एनायन में पोलरिजिबिलिटी की जब मैं बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, इसमें दोनों ही एनायन जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, उसकी पोलरिजिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो केटायन तो सब में सेम है, एनायन की साइज बढ़ रही है, बढ़ रही है मतलब पोलराइजेशन बढ़ रहा है उसका, उसकी पोलरिजिबिलिटी बढ़ रही है, और इसका मतलब उसमें कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है, तो कोवेलेंट करेक्टर सर ने जो ये बात बताई ना, इसका एक लाइन आप ऐसे याद रख लो, छोटा धनायन और बड़ा ऋणायन, और मोर चार्ज ऑन केटायन और एनायन, चार्ज कोई से भी हो, चार्ज दोनों में से कोई से ले हो, और छोटा धनायन और फिर बड़ा ऋणायन होना चाहिए, तो अपन कहेंगे पोलराइजेशन क्या होगा उसमें, ज्यादा हो, यानी कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, पोलराइजेशन जहां ज्यादा होगा कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे। और एक चीज हमेशा याद रखो, अपन कहते हैं कि केटायन एनायन का पोलराइजेशन करता है, हालांकि बोला ऐसा ही जाता है, लेकिन एक्चुअली भी ये साइंटिफिक बात करें तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि पोलराइजेशन है क्या, ये केटाइन और ये आपका एनाइन, अब आप हो गए एनाइन, ये न्यूक्लियस है भाई, न्यूक्लियस में तो प्लस ही होगा, ये आपका केटाइन है, ये एनाइन है, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा जिससे इसकी शेप बिगड़ जाएगी, इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस इसके पास भी है, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, अट्रैक्ट तो ये भी करेगा लेकिन इसकी साइज स्मॉल है, तो इसकी शेप इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती है, ज्यादा इसकी विकृत नहीं होगी, लेकिन यहाँ जो शेप होगी ना ज्यादा बिगड़ने वाली है, तो पोलराइजेशन तो दोनों तरफ होता है लेकिन ज्यादा इफेक्टिव होता है केटायन का, एनायन का होता है, केटायन का नहीं होता है। हां, स्मॉल साइज की वजह से इतना स्मॉल साइज इसका जेड इफेक्टिव इसका बहुत ज्यादा होता है। हां, इसके कारण इसका डिस्टॉर्शन नहीं पड़ता। हाँ, और इसका डिस्टॉर्शन होता है बिल्कुल, जैसे अपने एक छोटी बॉल है उसको दबाएंगे तो साइज में कितना चेंज हो पता नहीं चलता, लेकिन बॉडी को थोड़ा सा दबाते हुए दिख जाएगी भाई हां फर्क हुआ है उसके साथ, तो वही चीज यहां होती है। नेक्स्ट चले सर, कार्बन मोनोऑक्साइड लुईस चार्ज की तरह व्यवहार करता है क्योंकि ये रखता है, ये तो सर कोऑर्डिनेशन में इनसे बात की थी अपने, और वहां पे अपने कहा था कि CO लोन पेयर डोनर, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होता है। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर यूं होती है अपने, ठीक है, इसके पास ये लोन पेयर है, लोन पेयर इसके पास भी है, लेकिन आपको पता है
लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, तो डोनेटिंग टेंडेंसी कार्बन इसकी ज्यादा हो। तो यहाँ पे एक कार्बन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, जो लोन पेयर डोनेट करता है वो एज ए लिगेंड या फिर एज ए लेविस बेस से काम करता है। तो अपन कह सकते हैं कार्बन एटम थर्ड ओनर वन लोन पेयर ऑन कार्बन एटम, इस वजह से लेविस बेस का काम। नेक्स्ट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सिलिकॉन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म द पॉलीमर लाइक सिलिकॉन, द चेन लेंथ सिलिकॉन पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाय जेडी। मतलब अपने को जैसे जो सिलिकॉन होते हैं ना वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। बिल्कुल सर। अब अपने को जैसे उसमें क्या होता है, एक चेन सिलिकॉन होता है, जैसे चेन बढ़ती जाती है तो अपने को क्या चेन को रोकना है, रोकना है। तो रोकने के लिए अपन कौन सा काम में लेंगे, तो इसमें एक मोनो यूनिट काम में ले लो, क्योंकि मोनो यूनिट के बाद में आगे पॉलीमराइजेशन होगा नहीं। अब इसमें पॉलीमराइजेशन होता जाएगा क्योंकि आपका क्लोरीन ज्यादा है ना, तो क्लोरीन का मतलब हाइड्रोलाइसिस होगा इसका, वाटर रिएक्शन। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे इसमें Cl Cl ये मिथाइल ग्रुप हो गया यार, ये मिथाइल, जब इसका HOH करवाते हैं तो HCl निकल के यहां पे यहां पर OH आ जाएगा, इधर भी OH आ जाएगा और यहां पे OH आ जाएगा। जब ऐसी और यूनिट आएगी तो ये आगे यू पॉलीमराइजेशन होता जाएगा यू आगे की तरफ। मतलब कि अगर ये आया तो कुछ मिथाइल को मैं आर से लिख देता हूँ, कुछ इस तरीके से चैन आगे बढ़ने वाली है। मतलब ये तो हो गया चैन सिलिकॉन, चैन सिलिकॉन हो गया, चैन सिलिकॉन सॉरी, तो लीनियर चैन सिलिकॉन हो जाएगा, एक चैन बना देगा। यहाँ पे एक सीएल साइड में और मतलब यहाँ पे भी सीएल है, इसकी अगर बात करें तो मतलब ये क्रॉस लिंक शुरू कर देगा, क्रॉस लिंक चालू हो जाएगा और इसमें ये कवर्ड हो चुका है तीन एल्काइल ग्रुप से, तो सिर्फ एक तरफ इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एक तरफ OH जाएगा, तो जहां पे भी जाएगा चेन को रोक देगा, चेन को रोक देगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा और इसको यूज ही नहीं कर सकते, इसको यूज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, मेरे बात समझ में आ गई आपकी। थर्ड थर्ड आंसर कर, हां नेक्स्ट चलिए, चलो सर। हां सर, देखिए डाइबोरेन का क्वेश्चन पूछा, डाइबोरेन अभी आपको स्ट्रक्चर पूरी बता दी, बिल्कुल पूरी बताई थी, स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, अब आप बाकी आप खुद कर लेना। 2C2 इलेक्ट्रॉन और 3C2 इलेक्ट्रॉन, ये सारे बॉन्ड अपन ने देख लिए थे। टर्मिनल हाइड्रोजन, तो आपको पता है ये यूं ऐसे होते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन, तो आ जाओ मैच करते चलते हैं। पहला बोल रहा है दो ब्रिज हाइड्रोजन बिल्कुल ये रहे, ब्रिजिंग हो गई। फिर कह रहा है सभी हाइड्रोजन एक ही तल में ऊपर बिल्कुल नहीं रहते, चार तो एक प्लेन में है लेकिन एक अबोधी प्लेन है, एक ब्रिज हाइड्रोजन अपर बिलो द प्लेन, बिल्कुल, तो ये भी करेक्ट हो गए। फिर सभी बिल्कुल ये sp3 है और ये भी sp3, तो ये हो गया फोर्थ। फिर कई बार पूछ लेता है बॉन्ड के टाइप, तो ये फोर्थ तो है टर्मिनल बॉन्ड जो है टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, कैसे एक दो दो सेंटर हो गए दो एटम का मतलब, और दो इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे कितने बॉन्ड है फोर, एक पूछ ऐसे हो गए फोर, एक हो गया थ्री सेंटर 1 2 3 और दो इलेक्ट्रॉन जिसको ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड कहा जाता है, ऐसे कितने दो, और यहाँ पे टर्मिनल बॉन्ड ही रिप्लेसेबल, इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। हाँ ये बनाना शेप में बन जाता है, इसका ऑर्बिटल शेप ऐसे बनाते हैं ना। हाँ बिल्कुल सर, इस तरह से फिर इस तरह से नीचे से ये बनाना है, ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्ड, हाँ कई नाम देते हैं। नेक्स्ट Sl2O5 negative anion is obtained when the, तो अपने को ये जो anion मिलेगा ना, तो ये अपन बात करी थी, एक अपन ने सिलिकेट लिए थे, हाँ। सिंगल चेन और एक डबल चेन, बिल्कुल सर, डबल चेन में अपन यूनिट ली थी, बिल्कुल Sl2O5, तो उसमें कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में थे हमारे पास, तीन ऑक्सीजन यहाँ पे शेयरिंग में चलेंगे, थ्री ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन होगा वो शेयर नहीं, थ्री डायमेंशनल में जाएगा तो वो एक शेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर तो तीन ऑक्सीजन शेयर होने वाले हैं, तो पहले नो ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 और 3, तो फोर्थ हो गए, फोर्थ हो गए। बाकी आप देखो सिलिकॉन्स और सिलिकेट, सिलिकॉन्स तो फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं, सिलिकेट में आपको एक तो इनकी मोनोमर यूनिट ध्यान में, मोनोमर यूनिट और कितने ऑक्सीजन शेयर करता है, और साथ में एक अकेली यूनिट के पास कितने ऑक्सीजन है, हर बार चार नहीं होते, कोई किसी के साथ शेयर हो गया तो वहां हो सकता है उसके आधा हिस्से में आ रहा हूं, जैसे सॉलिड स्टेट में खेल होता है कोने वाले एटम का, वैसा ही गेम इनके साथ चलता है। तो आप इससे अच्छा है ये है कि ये 6-7 सिलिकेट है, इनको याद कर लो, एग्जांपल को स्ट्रक्चर इनकी पूछता नहीं है भाई, जैसे एक तो सिलिकेट सिलिसिक एसिड का होगा, एक तो एलाइन याद रखनी, हां एक पायरो टाइप ऑफ सिलिकेट याद रखना, हां और तो पायरो पायरो और फिर चेन में सिंगल चेन डबल चेन और एक साइक्लिक और एक सीट और एक सीट, हां
और थ्री डायमेंशनल आते हैं तो चारों इन्वॉल्व हो जाएंगे, चारों चारों ऑक्सीजन शेयरिंग में, शीट आते ही तीन हो जाएंगे, डबल आते ही भी तीन हो जाएंगे, लेकिन अकेली चेन चलेगी दो रहेंगे, समझ गए, और पायरो रहेगा तो एक, पायरो में एक ही शेयरिंग में आएगा। नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट एल्यूमिनियम हैज अ ग्रेट एफिनिटी टू ऑक्सीजन एंड इट्स ऑक्साइड फॉर्मेशन इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बिल्कुल सर, अपन ने मेटलर्जी में इनसे बात की थी, Al2O3 बनता है। हाँ, आपका एल्यूमिनियम गुड रिड्यूसिंग एजेंट काम में आ रहा था, और देखो एक्चुअली होता क्या है, एल्यूमिनियम Al2O3 बनाता है, स्मॉल साइज और हाई चार्ज की वजह से इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, तो यह थर्मली मोस्ट स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी रखता है, जल्दी जोड़ेगा, तो जितना जल्दी जोड़ेगा उतनी ज्यादा रिलीजिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उस टेम्परेचर को अपन वेल्डिंग में काम में वेल्डिंग में काम में ले सकते हैं, थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं, थर्माइट वेल्डिंग, बिल्कुल ये बात अपन इनसे पूरी कर चुके हैं मेटलर्जी में। डायबोरेन में आपको बताया था, चार तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन और दो होंगे थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, जिनको ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड भी अपने बोल सकते हैं, ये बात अपनी कंप्लीट हो गई। तीन ऑक्सीजन के लिए बोल रहा है तो आपका यहाँ पे एक तो देखो आपके पास पायरो, पायरो में क्या होता है एक होता है सर, हाँ, और ये सीट सिलिकेट, सीट में होते तीन, सीट और तीन होंगे, थ्री डी में होंगे चार, चार हो जाएंगे क्योंकि उसमें जो पीछे वाला है वो भी बॉन्डिंग करेगा, सारे ऑक्सीजन शेयरिंग में चलेगा। आप इसको यूं समझ सकते हो, अगर समझना चाहें तो जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये सिलिकन आ गया एक दो, अपन इसके लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सर, देखो अपन इसका एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल तरीके से ले सकते हैं, जैसे अपन एक अकेले सिलिकेट की यूनिट कैसे बनाएंगे, थ्री डी स्ट्रक्चर एक बार समझ लो तो याद रहेगा, ये अपने इसकी ऐसे 3D स्ट्रक्चर अपने यहां पे बना देंगे, ठीक है। अब जब 2D चलता है तो क्या होगा, ये लिंकेज आ जाएगा और ये एक सिंगल चैन चलेगी, तो ये लिंकेज होगा, ये होगा, दो ही ऑक्सीजन शेयर होगी, एक चैन चलेगी, फिर आप सीट बनाओगे तो देखो ये भी हो जाएगा और इधर वाला भी इन्वॉल्व हो जाएगा, 2D में ही तो बनेगी ना सीट, एक प्लेन के लिए दो एक्सिस, तो ये ऑक्सीजन शेयर हो जाएगी, इधर आगे चलता जाएगा, जैसे आगे वाला आएगा वो सिलिकन यूं आ जाएगा, समझ रहे हो ना आप चीज को, ऐसे फिर उसकी थ्री डायमेंशनल, तो ये ऑक्सीजन शेयर होगा, इधर वाला भी शेयर होगा, तो ये तो एक लाइन के लिए हो गया, साइक्लिक के लिए हो गया, साइक्लिक लीनियर चेन के लिए, फिर डबल के लिए बात करें तो ये भी शेयर हो जाएगा आपका, सीट की बात करें तो ये इधर वाला, तो एक दो तीन ऑक्सीजन शेयर हो जाएंगे, और थ्री डायमेंशनल में ये भी शेयर हो जाएगा क्योंकि उसकी लेंथ के साथ उसकी थिक भी आएगी, अब क्यों सर, तो चार से वहां पे शेयर हो जाएंगे, तो यहाँ पर तो सिर्फ तीन की बात करें तो एक शीट बनेगी, शीट सेकंड हो गए जी सर, अगर इसके लीनियर की बात करते तो दो होते, पायरो की बात करते एक होता, और इसमें चारों थ्री डी होते चारों से ऑल ऑक्सीजन शेयर हो जाए जी सर। नेक्स्ट चले, क्योंकि पॉलीमर बनने वाला तो ये लिंकेज तो होगा ही होगा, तो ये तो मान ही लो आप, पहला तो हो गया। अब सेकंड देखो, आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो जैसे कि सर ने कहा था चेन को रोक देता है, तो आपको बताया ये R3 हाइड्रोलाइसिस करते ही ये OH बनाएगा, ऐसी दूसरी यूनिट आएगी OH SI R3, तो यहां से H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा R3 SiO SiR3, तो अपना ये भी सही था, ये भी सही, तो दोनों यहां बहुत करेक्ट सही, तो देखो जिसमें चैन रुक गया वो भी दे रहा है सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, तो ये तो चलेगा ही चलेगा, तो ये तो आप हमेशा ध्यान रखो ऑर्गेनो सिलिकॉन मतलब है SiOS हाई लिंकेज होगा ही होगा। सिलिकॉन तो सर आजकल बहुत काम आ रहे हैं, हाँ मतलब जैसे लेटेस्ट बहुत ज्यादा अपन जैसे मकान बना रहे हैं वहां हाँ। पर भी काम आते हैं, बिल्कुल टाइलों को जोड़ने में भी काम हाँ। देखो सिलिकॉन्स का सबसे ज्यादा यूजेज तो यही देख लो, ये हाइड्रोफोबिक है, क्यों, जब यहाँ पे चैन रुकेगी तो चारों तरफ हाइड्रोकार्बन होंगे और हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वाटरप्रूफिंग के लिए पेंट बनाना हो, फाइबर्स बनाने हो, सब इंसुलेटर भी होते हैं, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी होते हैं।
फिर वही आ गया जनरल फॉर्मूला पूछा सिंपल साइक्लिक का पूछा है तो साइक्लिक का अपना ट्रिवल ऐसा ही होता है लेकिन ये वाला है हाँ एन चार 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 में ये साइक्लिक साइक्लिक का ये भी क्वेश्चन अपन बात कर ली थी देखो 1:2 का रेशियो आया सर बिल्कुल 1:2 आप यहां से सीधा ही सॉल्व कर लो 1:2 है 2 और सिर्फ टेंपरेचर दिया है स्ट्रांगली हीट नहीं किया है स्ट्रांगली हीट करता तो अपना बीएन लेकिन बीएन का तो ऑप्शन तक नहीं दिया फिर आप कहोगे कि सर आपने तो ये भी बनाया था तो मैंने क्या कहा था नॉर्मली ये बनेगा लेकिन जैसे ही टेंपरेचर दोगे 12 हाइड्रोजन ये निकाल करके आपका ये बना लेता है ये अपन ने बात की थी 483 के आसपास अपन ने टेंपरेचर दिया था इसको तो सेकंड आ जाएगा अगर टेम्परेचर नहीं देता तो ये यहाँ तब फिर ये मिलता अब वही क्वेश्चन वापस ऐसे ही फॉर देखो इसमें क्या वेल नोन क्वेश्चन है सिलिकेट के बड़े बहुत आए हैं हाँ अब देखो चार ऑक्सीजन शेयर कर दी तो पता चल गया थ्री डायमेंशनल हो गया सिलिकेट कौन सा ऑक्सी कार्य की तरह कार्य करता है ये इनर्ट पेरिफेरल हाँ बिल्कुल सर अपन ने पहले ही बात की थी कि लास्ट वाले में क्या होता है थेलियम प्लस और थेलियम प्लस 3 तो ये ज्यादा स्टेबल है तो जब भी ये होगा इसमें जाएगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तो इसका रिडक्शन हुआ है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो अपना थर्ड आंसर है ये काफी सर बहुत शानदार क्वेश्चन है इस चीज को आप समझो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम है क्लोराइड इज आयनिक एंड सोल्युबल इन वाटर ड्यू तो देखो वैसे तो AlCl3 आपका कोवेलेंट होता है लेकिन जब ये आपका वाटर में चला जाता है तो ये आयनिक बन जाता है और कंडक्टिविटी भी शो करता है एक्चुअली होता है क्या आपको पता है AlCl3 डाइमेरिक फॉर्म में होता है Al2Cl6 अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए तो अपन यू बना सकते हैं Al ये तो हो गए कोवेलेंट तीन कोवेलेंट फिर ये दूसरा आ गया जिसमें वही तीन कोवेलेंट फिर इसके पास एक वैकेंट 3p पड़ा है कोऑर्डिनेट तो यहां पे ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट अब इसका जो क्लीवेज होता है ना सर वो थोड़ा एक अलग सा होता है ऐसे तो अब देखो एल्युमिनियम प्लस 3 की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है अपने हमेशा कितनी 6 तो इसमें 2 तो कोऑर्डिनेट हो गए अब बच गए 4 तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल यहां इसके साथ अटैच होने वाले यहां 4 ही हो गए तो यहां 2 अटैच होने वाले तो अपना फॉर्मूला इससे बनने वाला है AlCl2OH4 आपको पता है ये प्लस 3 में होना है तो चार्ज वैलेंसी के लिए अपना यहां प्लस आ जाएगा और ये आपका AlCl4OH2O OH लिख दिया सॉरी सर ये H2O है ना और ये H2O2 और ये माइनस चार्ज बैलेंसिंग के लिए ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं फिर आप इसको यू लिख सकते हैं दूसरा कि आपका AlH2O6 क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी फर्स्ट कोशिश करोगे न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बैलेंस हो तो अपने पास जब आवश्यक नंबर में न्यूट्रल पड़े हैं तो न्यूट्रल से अपने बैलेंस इसको फर्स्ट कर दी प्लस 3 और तो क्लोराइड आयन एज काउंटर आयन यहां रह जाएगा जैसे यहां चाहिए यहां Cl3 लिख दो चाहिए इस फॉर्म में तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड अगर सर ये ना हो करके और ये दोनों ऑप्शन होते तो अपन इसके साथ इसको फ्रेटली देते किसको इसी क्लीवेज से बनता है हां तो इसमें अगर यहां पे 2 और ये कुछ इस तरीके का होता तो अपन फिर H2O2 हां तो यहां पे इसको अपन फिर प्रायोरिटी इसको देते इसको सही बेंजीन का समानता दिखाता है अभी बात करी थी बोराजीन भी इसको बोल सकते हैं अपने जब बोरा 2 आ रहा था आपने कहा था कि इसको सिग्मा पाई की भी बात कर ली थी अपन सारी बात करेंगे तो ये आ जाएगा एल्युमिनियम निष्क्रिय क्यों होता है ये बहुत सब शानदार क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये नीट 2016 के सेकंड फेज का क्वेश्चन है और उस साल सर डायगोनल रिलेशनशिप से 3 क्वेश्चन आ गए थे बैक टू बैक एक तो पेसिविटी का और एक कार्बाइड वाला और एम्फोटेरिक नेचर से ये 3 बैक टू बैक नीट सेकंड पेज जिसको नीट का उस टाइम का सबसे टफ पेपर कहा गया था तो इसमें देखो एक्चुअली क्या होता है ये अपना हो गया एल्यूमिनियम अब एल्यूमिनियम जब भी कंसंट्रेट HNO3 के साथ होता है तो आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और Al2O3 बना लेगा Al2O3 आपको पता है हाई लैटिस एनर्जी इस वजह से इसका मतलब थर्मली मोस्ट स्टेबल है
मोस्ट स्टेबल है, इसका मतलब ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करने वाला है आगे, रिएक्शन नहीं करने वाला। तो एक बार तो क्या होगा कि ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो जब भी इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आगे अपन ये नहीं कहेंगे रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी लेकिन अपन बोलेंगे रिएक्शन स्टॉप, रिएक्शन रुक गई है। रुकी क्यों है? क्योंकि जो एल्यूमिनियम अपन ने इतना सारा एल्यूमिनियम लिया कंसंट्रेट है चलने रहा था, उसकी जो सरफेस है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदल गई, अंदर तो एल्यूमिनियम सुरक्षित है, तो वो इनर्ट ऑक्साइड की लेयर की वजह से इसमें पैसिविटी आ जाती है और ये आगे रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पे ये पैसिविटी की बात कर रहा है सर, पैसिव किस वजह से होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, हाँ उसके कारण वो बच जाता है। हाँ तो ये अपने HNO3 की वजह से होगा, जैसे कहना मतलब सर का कि जैसे ये एल्यूमिनियम है, हाँ इसके चारों तरफ बन गई लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की, बिल्कुल सर। अब आगे जो है ये सीधा से बच जाएगा, हाँ अंदर इसको प्रिवेंट करेगी, अंदर एंट्री नहीं करने देगा, अब एल्यूमिनियम ऐसे पड़ा, हाँ एल्यूमिनियम मतलब कि यहाँ पे सुरक्षित रह गया। इसीलिए जैसे अपन एरोप्लेन वगैरह के पार्ट्स जब एल्यूमिनियम से बना तो देते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव उसका कोरोजन हो जाएगा, लेकिन पार्ट्स बनाने से पहले उसके चारों तरफ ऑक्साइड की लेयर बनाई जाती है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहे। एल्यूमिनियम के बर्तनों को अपन जैसे घिसते हैं ना तो वो चमक भी देने लगे थे, हाँ चमकते ज्यादा है क्योंकि तो ये सेकंड हो जाएगा। हाँ अब इससे करेंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ बनने वाला है, यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड बनने वाला है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनने वाले, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये ऑक्सीडाइजिंग, हाँ ये है रीजन। तो स्पेसिफिकली ये है, हालांकि ये मिसा कंसंट्रेट है HNO3 लिखा हुआ मिलेगा, ये ज्यादातर ये कंसंट्रेट लिखना चाहिए। हाँ सिलिका डज नॉट रिएक्ट विद, सिलिका की बात कर रहा है SiO2, SiO2 अपने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर का होता है, तो बेस से तो ये सर रिएक्शन करेगा ही करेगा, तो इससे तो रिएक्शन हो जाएगा। फिर H2 ये एसिड है, इससे रिएक्शन नहीं होगी, अपना आंसर यही था कि किससे नहीं करता। अब बच गए ये भी एसिड है, लेकिन सर इनके साथ एडिशन कंपाउंड बनाता है फ्लोराइड की वजह से, जैसे SiO2 है HF के साथ ये रिएक्शन करके H2SiF6 ये बनेगा, ये वाटर सोल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, वाटर ग्लास सर इसी का तो बना होता है, अपन कहते हैं कि SiO2 Na2 दैट इज वाटर ग्लास, इसको Na2 SiO3 कहते हैं, अपन बोलते हैं कि HF में ये डिजोल्व है, जो ग्लास के ऊपर लिखाई की जाती है वो HF से ही की जाती है, क्योंकि इसके साथ ये सोल्युबल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनने वाला है, मतलब HF डिजोल्व होने वाला है। दूसरी चीज इससे तो यहाँ रिएक्शन चलो ना होती, लेकिन साथ में कैल्शियम फ्लोराइड है, यहाँ फ्लोराइड आयन फिर आने वाला है, और जब फ्लोराइड आयन आएगा तो ये फिर से बनेगा, बस फर्क इतना रहेगा यहाँ पर कैल्शियम साथ वही वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स यहाँ बन जाएगा, तो रिएक्शन तो सिर्फ H2SO4 के साथ नहीं होगी, तो आंसर अपना यहाँ पे सर फोर्थ रहेगा। इसमें जो ये डिजाइन है वगैरह बनाते हैं कांच के ऊपर तो वो भी HFC का, हाँ HFC क्योंकि ये बिल्कुल AlCl3 में जो डाइमर बनता है उसमें वो अपन बात कर चुके हैं कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर ली थी, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। एक चीज आपको और थोड़ी यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है, बहुत काफी अच्छी चीज बताने वाला हूँ आपको, अपने पास होता है बोरेक्स, या अपने ये बोरेक्स को छोड़ो अपन इससे बात कर लेते हैं H3BO3, ठीक है सर H3BO3 ले लो या फिर अपना यहां से बोरेक्स के साथ खेलो, तो इसको अगर हीट करें या कंसंट्रेट H2SO4 लें तो कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है वाटर के मॉलिक्यूल को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो ये बन जाता है सर मेटा एसिड। यहां पे नॉर्मल टेम्परेचर देना पड़ता है, और जब इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं इसको अपन रेड हॉट हीट अपन बोल सकते हैं बहुत ज्यादा, तो ये बोरिक एनहाइड्राइड बन जाता है। अब इसमें सर दो रिएक्शन है, एक तो अपन करवाएं एल्यूमिनियम से और एक मैग्नीशियम से, और दोनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन अपने को पता है यहां से अगर ये लेंगे तो Al2O3 बनेगा और यहां से लेंगे तो MgO बनेगा, तो इन दोनों में देखा जाए तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, ये ज्यादा स्टेबल है, तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स एफिनिटी ज्यादा होती है, तो ये जल्दी से इसको क्या करेगा अपने साथ जोड़ लेगा ऑक्सीजन को, इस वजह से जो बोरोन है ना वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाएगा, तो यहां से जो बोरोन बनेगी ना सर वो क्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टलाइन बोरोन बनेगी, और यहां से बनेगी जो बोरोन वो एमोर्फस बनेगी, तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, एमोर्फस बनेगी या फिर क्रिस्टलाइन बनेगी, हाँ तो ये एमोर्फस है तो वहां पर क्रिस्टलाइन, वहां क्रिस्टलाइन, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक जानकारी के लिए बच्चों को बता दिया, हालांकि मेडिकल में इसके साथ कभी क्वेश्चन डिस्कस हुआ नहीं है। तो अच्छा इसमें एक टेम्परेचर का एक और भी होता है ना सर, जैसे वो इसको अपन आगे ट्रिप करते हैं तो H4B2O
6 बनता है। तो वो बिल्कुल सर, ये जो आपका मेटा होता है ये प्रेजेंट ही हमेशा साइक्लिक फॉर्म में होता है, तो इसकी वो यूनिट आपस में आकर के साइक्लिक जोड़ के अपन आगे भी बना। हाँ ठीक, तो इसको नॉर्मली हीटिंग देंगे तो ये ट्राइमेरिक फॉर्म में चला जाएगा या साइक्लिक फॉर्म में चला जाएगा, वो ट्राइमेरिक में जाता है टेट्रा में। तो ये आज अपन ने पी ब्लॉक की बात की, सारे क्वेश्चन काफी अच्छे थे, अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और मेडिकल में आने वाले क्वेश्चन है। तो हमने कार्बन फैमिली और बोरोन फैमिली को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करी। बिल्कुल सर, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे ज्यादातर है ना, थोड़ा सिलिकेट में थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को रहती है। अपने सर नॉर्मली अपन ने वो चीज छोड़ी है जो रट्टा बेस थोड़ा सा काम है, वो अपन ने बच्चों के लिए छोड़ दिया। रट्टाफिकेशन वाली चीजें भी बहुत सारी रहती है इसमें जो आपको थोड़ी सी याद करनी है, एप्लीकेशंस हो गए, एप्लीकेशन जो है याद करने हैं। बाकी आप थोड़ा सा ध्यान रखो तो सिलिकेट को थोड़ा ढंग से पढ़ लो और एक सिलिकॉन को। हाँ बिल्कुल, जैसे कुछ चीजें हमने छोड़ दी आपके लिए, जैसे निडोबोरेन होता है, तो निडोबोरेन आपका BnHn+4 होता है, एक आर्केनोबोरेन होता है वो BnHn+6 होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो नेट लाइक होता है, जैसे एक पक्षी का घोंसला हो तो पैकिंग यहाँ ज्यादा होती है, इसकी स्पाइडर वेब जैसी होती है, मकड़ी के जाल जैसी, तो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होते हैं। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें तो निडोबोरेन ज्यादा स्टेबल होता है, आर्केनोबोरेन कम स्टेबल होता है। ये कुछ चीजें हैं जो रट्टाफिकेशन की भी है, तो वो बच्चों को मेनली एनसीईआरटी अच्छे से रीडिंग कर ले तो वो कवर कर। एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक में तो अपना एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़े ही नहीं जी, बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है। बस ये होता है थोड़ा सा कि एनसीईआरटी जब पढ़ते तो समझ में नहीं आते, तो एक बार टीचर की कॉपी आप फॉलो करें और उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़े ही पढ़े, सफिशियंट है, उससे बाद में उससे आपको अच्छा फायदा होगा। तो आज नेक्स्ट पी ब्लॉक में अगली फैमिली के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। ओके थैंक यू।